गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम. सो टुडे आई विल टीच यू मैथ्स. यस, इन मैथ्स क्लास आई विल टीच यू टुडे द टॉपिक इज पुट द साइन. तो बच्चों, पुट द साइन में एक ग्रेटर होता है, एक स्मॉलर देन होता है, एक इज इक्वल टू होता है. और मैंने आपको पहले भी आपको वीडियो में मैंने बताया था कि एक एलिगेटर होता है. क्या होता है? एक एलिगेटर. और जब वो भूखा होता है तो क्या करता है? खाना खाता है. और वो खाना, उसको तो ज़्यादा खाना चाहिए, तो वो जहाँ ज़्यादा होता है वो उधर की तरफ मुँह ओपन कर लेता है. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और आपको पहले भी करा चुकी हूँ. ठीक है बच्चों, तो देखो अभी एलिगेटर का मुंह इस साइड ओपन है, तो इसका मतलब इसे ज्यादा भूख लगी है. ये इधर की तरफ इस साइड ओपन होगा, इधर ग्रेटर है. अगर इसका फेस इस साइड है तो इधर की तरफ ग्रेटर है, यानी कि ज्यादा खाना है. अगर दोनों तरफ ज्यादा है, दोनों तरफ इक्वल है, तो वो एक बार इस तरफ जाएगा, एक तरफ इस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, वन टाइम राइट जाएगा, लेफ्ट एंड राइट. सो इट मींस कि वहां इक्वल टू का साइन आएगा. तो चलो देखते हैं बच्चों, हमारा पहला नंबर कौन सा है. देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 2 32 and 3 1 31. तो बच्चों टेंस देखिए, टेंस तो इक्वल है, 3 और 3 सेम है. अब हमें वंस चेक करना है. वंस में एक में 2 है, एक में 1 है. तो जहाँ ज़्यादा होते हैं एलिगेटर का मुंह उधर की तरफ खुलता है. तो मैंने क्या बताया था आपको बच्चों, एलिगेटर कहाँ जाएगा, 2 इज बिगर देन 1, तो एलिगेटर इधर की तरफ जाएगा. एलिगेटर का फेस इस साइड ओपन होगा. ठीक है, तो एलिगेटर का फेस कहाँ जाएगा, 3 2 32 पे. ओके, 32 इज ग्रेटर देन 31. अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सी क्या लिखा है, 4 4 44 and 4 9. अब हमें टेंस देखना है. टेंस तो सेम है, लेकिन हमारा वंस अलग अलग है, डिफरेंट है. एक जगह 4 है तो एक जगह 9 है. तो कौन सा ग्रेटर है, 9. तो एलिगेटर कहाँ जाएगा, 4 9 49 पर जाएगा. और उधर की साइड को वो फेस ओपन, अपना मुंह माउथ ओपन करेगा और वो ज़्यादा नंबर को खा जाएगा. सो 49 इज ग्रेटर देन 44. ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों. यस, 1 9 19 and 2 9 29. अब हमें वंस देखो, वंस सेम है, 9 9 भी इधर है, 9 भी इधर है. तो हमें अब टेंस देखना है. टेंस में क्या है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है. तो विच इज ग्रेटर, यस 2 इज ग्रेटर देन 1. सो 2 9 29 इज ग्रेटर देन 19. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों. सी हमारा, अब देखो टी ओ में 22 है और टी ओ में 31 है. तो यहाँ डिफरेंट है, 2 2 22 इज स्मॉलर देन 31. तो लेकिन एलिगेटर कहाँ जाता है, ग्रेटर के पास. तो हमारा एलिगेटर 31 की तरफ ओपन करेगा माउथ अपना. ठीक है, नेक्स्ट देखें बच्चों. यस, 4 4 44 और साइड में भी 4 4 44. इट मींस इक्वल है. तो एलिगेटर एक बार कहाँ जाएगा, एक बार यहाँ जाएगा, एक बार यहाँ जाएगा. इट मींस इक्वल है, एलिगेटर दोनों डिजिट्स को खाएगा, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल मार्क्स हैं, इक्वल नंबर है, इक्वल डिजिट्स हैं. नेक्स्ट देखें बच्चों. यस, 4 4 44 and 1 4 44. अब वंस हमारा सेम है, 4 and 4. तो हमें टेंस देखना है. टेंस में 4 है, एक जगह वंस है. तो इट मींस एलिगेटर कहाँ जाएगा, 4 की तरफ उसका माउथ ओपन होगा, क्योंकि 4 4 44 इज ग्रेटर देन 1 4
14। ठीक है बच्चों, सो आपको इस तरह से अपनी नोटबुक में ये वर्क करना है, नीट एंड क्लीन करना है। सुंदर, आपको आई होप समझ में आया होगा, पुट द साइन कि एलिगेटर का फेस कहाँ ओपन होता है, जहाँ ज्यादा डिजिट्स होती हैं, जहाँ ज्यादा नंबर होते हैं। सो करिए बच्चों आप इसको वर्क को और मेरे पास सेंड कीजिए। और बच्चों यूज फुल बॉक्स, ऑलवेज यूज फुल बॉक्स। ओके बाय बच्चों, थैंक यू सो मच, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों।